हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे साइंस बुक चैप्टर नंबर 5, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस यूज करते हैं, लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर और विनेगर। डू दे टेस्ट द सेम? क्या सब सब्सटेंस सेम से टेस्ट करते हैं? एसिड एंड बेसिस, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉल्ट। जो ऊपर चीज़ें बताई गई थी, कर्ड, लेमन जूस एक्सेट्रा, ये सब सॉल्ट टेस्ट करते हैं। दीज सब्सटेंस टेस्ट सॉल्ट बिकॉज दे कंटेन एसिड। ये सब्सटेंस सॉल्ट टेस्ट करते हैं क्योंकि इनमें एसिड रहता है। द केमिकल नेचर ऑफ विच सब्सटेंस इज एसिडिक। इनका केमिकल नेचर एसिडिक है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसरे विच मीन्स सॉल्ट। एसिड वर्ड लैटिन वर्ड से आया है जिसका प्रोनंसिएशन है एसरे, जिसका मतलब होता है सॉल्ट। द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। ये सब्सटेंस में एसिड जो है वो नेचुरल एसिड है। वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉल्ट? क्या बेकिंग सोडा भी सॉल्ट टेस्ट करता है? इफ नॉट, वॉट इज इट टेस्ट? इसका अगर नहीं है तो इसका टेस्ट क्या है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉल्ट, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। ये इसमें सॉल्ट टेस्ट नहीं करता है, इसका मतलब उसमें एसिड नहीं है। इट इज बिटर इन टेस्ट। इफ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। जो सब्सटेंस बिटर टेस्ट करते हैं और फील होते हैं सोप टाइप का फील करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस। द नेचुरल ऑफ द सच सब्सटेंस इज कॉल्ड बेसिक। उनका नेचर बेसिक रहता है। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो हम उसका नेचर कैसे पता लगाएंगे? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस इज यूज टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है जिसे हम पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं है। दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर। उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। इंडिकेटर्स अपना कलर अप्रोप्रिएटली चेंज कर लेते हैं। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स। टर्मरिक एक्सेट्रा, ये सब कुछ नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स है। डू यू नो नेम ऑफ एसिड? एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर। फॉर्मिक एसिड हमें एंट्स स्टिंग में मिलता है। सिट्रिक एसिड हमें सिट्रस फ्रूट में मिलता है, जैसे ऑरेंज, लेमन। लैक्टिक एसिड हमें कर्ड में मिलता है, दही में। ऑक्सैलिक एसिड हमें स्पेनिच में मिलता है। और एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाएगा। टार्टारिक एसिड हमें टैमरिंड, ग्रेप्स और अनराइप मैंगो में मिल जाता है। ऑल एसिड मेंशन अबव ऑकर इन नेचर। ये सब ऊपर नेचुरल एसिड सब है, ये हमें मिल जाता है। ये कुछ बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस हमें लाइम वाटर में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें विंडो क्लीनर में मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम सोप में मिलेगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशिया के मिल्क में हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, लिटमस एंड नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। वो लिचन्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये रहा लिचन्स। इट हैज अ मॉर्व कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। मॉर्व मतलब पर्पल, उसका पर्पल कलर होता है पानी के अंदर। When added to an acidic solution, it turns red. And when added to basic solution, it turns blue. जब हम acidic solution में उसको डालते हैं तब वो red हो जाता है color. और जब हम उसके ऊपर basic solution डालते हैं तब वो green, blue color का हो जाता है. It is available in form of solution
और इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, वो सॉल्यूशन के फॉर्म में या स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, नोन एज लिटमस पेपर, जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। जनरली इट इज अवेलेबल इन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, जनरली वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर अवेलेबल होता है। The solutions which do not change the color of either red or blue litmus paper are known as neutral solution. जब solutions red or blue litmus paper का color change ना करें, उसको हम बोलते हैं neutral solution. These substances are neither acidic nor basic. ये substances ना acidic होते हैं ना basic होते हैं. We have learned that acid turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. हमने सीखा कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड बना देता है और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद बेस। अब हम देखेंगे कि अगर एक एसिड बेस के साथ मिक्स हो जाता है तब क्या बनता है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर इफ यू हैव नॉट यूज सो फार। हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे जो आपने यूज नहीं किया है। इट इज कॉल्ड फेनोफेथेन। उस इंडिकेटर का नाम है फेनोफेथेन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तब एक नया सब्सटेंस बनता है। उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन बिटवीन एज एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। अगर हम रिएक्शन करें एसिड और बेस में तो उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस किया जाता है हीट को इन्वॉल्व करके। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर विथ द हीट। जब हम एसिड और बेस को प्लस करते हैं फिर वो रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और वाटर देता है जिसमें हीट इन्वॉल्व रहती है। The following reaction is an example of hydrochloric acid HCl plus sodium hydroxide NaOH gives sodium chloride NaCl plus water H2O. HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. Reaction है acid और base को mix करेंगे हम तो हमें salt और water मिलेगा। Neutralization in everyday life. Indigestion. Our stomach contain hydrochloric acid. It help us to digest food. हमारे stomach में hydrochloric acid होता है जो हमें food digest करने में help करता है। But too much of acid in stomach causes indigestion. लेकिन अगर stomach में acid बढ़ जाए तो उसको हम indigestion बोलते हैं। Sometimes indigestion is painful. To relieve indigestion we take an anti-acid such as milk of magnesia which contain magnesium hydroxide. वो एसिड को हम रिकवर करने के लिए मैग्नीशिया मिल्क लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइजेशंस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। वो एक्सेसिव एसिड का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। एंट बाइट। व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इन टू द स्किन। जब एंट बाइट करता है तो फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देता है। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट मॉइस्ट बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम वो एंट बाइटेड जगह पर रब करें या कैलमाइन सोल्यूशन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है उसको रब करें तो एंट बाइट का एसिड कम हो सकता है। सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक सॉइल एसिडिक। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करें तो हमारा सॉइल एसिडिक हो सकता है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक और बेसिक। प्लांट तो अच्छे से नहीं उगता है अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो या बेसिक हो। प्लांट को एकदम प्रॉपर मीडियम सॉइल चाहिए। व्हेन सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर सॉइल को ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो हम उसको बेसिस के साथ ट्रीट करते हैं और अगर सॉइल बेसिक हो गया है तो हम उसको कंपोस्ट ऐड करते हैं ताकि उसमें एसिड जनरेट हो। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर फ्रॉम द सॉइल।
ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करता है जो बेसिक नेचर ऑफ सॉइल है उसको काट देता है. फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड. इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. फैक्ट्री वेस्ट में बहुत एसिड होता है, अगर हम ऐसे ही इसको अलाउ करते रहे वाटर बॉडी में फ्लो करने का तो ये पूरे वाटर फिश ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगी एसिड से. द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस. फैक्ट्री वेस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है बेसिक सब्सटेंस को ऐड करके. एक्सरसाइज, इस सब के आंसर मैंने अपनी वीडियो के पार्ट टू में अपलोड कर दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया है. तो भी कोई डाउट तो मुझे कमेंट करके पूछना, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना. थैंक यू, बाय.